विवादों में चल रही फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म की कहानी के कॉन्सेप्ट पर विवाद है। फिल्म का ट्रेलर काफी सराहा जा रहा है। फिल्म स्वच्छता पर बेस्ड है। 2 मिनट 30 सेकंड का ये ट्रेलर दर्शकों पर अपना असर छोड़ता नजर आ रहा है। ट्रेलर से कहानी समझ आती है कि 8 साल का एक लड़का कन्हैया अपनी माँ के साथ मुंबई के स्लम में रहता है, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव तब आता है जब खुले में शौच के लिए जाने पर उसकी माँ के साथ दुष्कर्म हो जाता है। इसके बाद कनु माँ के लिए शौचालय बनवाने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखता है और पूछता है कि आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। ट्रेलर की शुरुआत दिल्ली के राजपथ से बताई गई है, जहाँ कानू अपने दो और दोस्तों के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिलने की उम्मीद के लिए पहुँचता है। इसके बाद ट्रेलर में कुछ कॉमेडी सीन भी दिखे हैं। ट्रेलर में अरिजीत सिंह की आवाज में टाइटल ट्रैक सुनाई देता है। कानू कहता है कि मांगने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, और वो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, गांधी जी। और अब गांधी जी की राह पर कानू चल पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.